अगला सवाल है जी साढ़े कोले कि 110 मीटर लंबी रेल गड्डी 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दे नाल चलती है, 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दे नाल सफर कर रही है, वह समा जिस विच यह एक राहगीर नू उसे दिशा विच 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल तुरदे हुए नू लंघदा है तो की होएगा। समा पता करना है, साढ़े कोले दो रफ्तारां दित्तियां होईयां ने, एक तां रेल गड्डी दी रफ्तार दित्ती हुई है 59 किलोमीटर प्रति घंटा, जिहड़ा वो आदमी उत्थे जा रहा है राहगीर जा रहा है उहदी हैगी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ते असीं रिलेटिव स्पीड पता करांगे, सब तो पहला तां रिलेटिव स्पीड हुण की होएगी, प्लस के माइनस, उसे दिशा विच जा रहा है, उसे दिशा विच तां मतलब की है माइनस होएगी, ते साडी रिलेटिव स्पीड किन्नी आ जाएगी 59 माइनस 4 किन्नी हो जाएगी जी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। पर देखो सकिंटा दे विच समा दिता हुआ है, मीटर दिती हुई है साड़ी लंबाई, ते अपन नूं की करना पएगा 55 नूं असी चेंज कर लवांगे, कादे विच असी इहनूं चेंज कर लवांगे मीटर पर सैकेंड दे विच, किवें करदे हुंदे आ जी 5/18 दे नाल गुणा करके, ते 5 नूं 55 दे नाल गुणा करांगे आ जाएगा 275 275/18, ठीक है जी 275/18 आ गया। हुण समा निकल जाएगा, समा की हुंदा है जी, समा हुंदा साडे कोले दूरी वटा गति, दूरी किन्नी है साडी 110 मीटर दी दूरी है, ते ए किन्ना आया सी साडे कोले 275/18, मतलब 18 उपर जाके की हो जाएगा मल्टीप्लाई, ते नीचे की बचेगा 275 बचेगा। हुण ए 5 दे पहाड़े ते जाणगे, 5 5 25 7 5 6 7 फिर 5 5 25, ते ए आ जाएगा जी 2 5 10 फिर 2 5 10, मतलब ऊपर आ गया 22, नीचे आ गया 55, 11 दे पहाड़े ते जाएगा, 2 11 2 22 11 5 55, ते 18 2 किन्ने हुंदे ने 26, ठीक है जी ऊपर आ जाएगा 18 2 36 36 ते नीचे आ जाएगा जी 5, जदों इहनूं आपां डिवाइड करांगे किन्ना हो जाएगा 5 7 35 0.6 आ गया, 5 6 30 ठीक है जी, ते 5 1 5 हाँ जी 5 1 5 5 2 10 2 आ जाएगा जी, यह 7.2 जड़ा है साड़ा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन।